से एक स्टार रही हूँ और आगे भी एक स्टार ही रहूंगी। मैं सबको दिखा दूंगी कि मेरे अंदर कितनी काबिलियत है। म्यूजिक की दुनिया में मुझे कोई नहीं हरा सकता, कोई भी नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। अरे लो ना, नहीं नहीं नहीं, मुझे ये नहीं करना। कम से कम एक प्लीज मेरी बात मानो। वन पैग यार, प्लीज। ओके बॉस, ओके, श्योर। रेडी? हमेशा रेडी। हाँ बिल्कुल। रोलिंग एंड एक्शन। हाय गाइस, मैं हूँ माइलो द गर्ल, और जैसे कि आप जानते हैं मैं यूनाइटेड स्टेट्स में हूँ मेरे डेज ऑफ पावर टूर पे, और मैं अपने फैंस को और करीब से जानना चाहती हूँ। वैसे मैंने ये डिसीजन सभी के अच्छे रिव्यूज के कारण नहीं लिया है। बैंड की तरह। ये लो। शट अप। ये एक्सपीरियंस लेने के बाद कि कैसा लगता है परफॉर्म करना और बड़े टूर बस में सफर करना। मैं एक्साइटेड हूँ फिर से टूर पे जाने के लिए, जैसे शुरुआत में होता था, और मुझे पता है कि मेरे लिए ये सही डिसीजन है।
तो फिर तुम क्या सोचते हो ब्रुकलिन? तुम सच में ये मुझसे पूछ रही हो? हाँ, कैमरे में बताओ क्या सोचते हो। मुझे लगता है कि ये खतरनाक है, लोग पागल होते हैं। ओह कम ऑन, तुम लोग अपनी सावधानी और सुरक्षा से दूर हो रहे हो, समझ रहे हो ना? तो तुम मुझे बताओ कि आजाद रहने में गलत क्या है? इसका जवाब हमें जल्दी ही मिल जाएगा। मैं ये बस का टूर बहुत मिस करूंगा, ये मेरे लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। Well, मुझे यकीन है कि मैं बड़े स्टेज से बोर हो चुकी हूँ। ओह, हम सबको पता है कि तुम्हें बड़े आईनों से कितनी नफरत है, बस में और बैक स्टेज में। Exactly, अब उसमें मजा नहीं है। ओह, सच कह रही हो? सच में? पर फिर भी ये पागलपन है। हाँ, तुम सही कह रहे हो, पागलपन वाला टूर तुम्हारे नजदीकी शहर में आ रहा है, ब्रुकलिन। ओके। ये फिर से ओवर रिएक्ट कर रहा है, मजा आने वाला है। तुमने कुछ भी नहीं कहा ग्रेग। मुझे लगता है वो ठीक होगा। मैं ये कहता हूँ कि फेस टू फेस होंगे हम तुम्हारे फैंस के साथ। और ये कैसे हो सकता है अगर ये गलत निर्णय हो जाए तो? सही कहा तुमने, थैंक यू। थैंक यू जिया। आज का इवेंट कैसा था? ओह गॉड, तुम स्ट्रेस में लग रही हो। ओह माय गॉड माइलो, मैं तुम्हारी जबरदस्त फैन हूँ, तुम जो करती हो मुझे बहुत पसंद है। थैंक यू, थैंक यू सो मच। बाय बाय। तो आज लेस्टर ने क्या किया? जब मैं इसे लेकर आई थी तो ये बहुत उदास था, लेकिन फिर दूसरे डॉगी के सामने दादागिरी करने लगा, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। क्यों माइलो? कम ऑन मम्मा के पास जाओ। रेडी? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे भी। ओह हेलो। ऐसा लगता है कि आज शाम यहाँ एक खास मेहमान आया है। सॉरी ये भी। हमारे छोटे दोस्त लेस्टर के लिए चीयर करो। hey, ये क्यूट है ना? वैसे आप देख सकते हैं कि परिवार में स्टार कौन है। Oh, my God.
प्लीज मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। तुम्हारा नाम क्या है? हाना। प्लीज मेरी मदद करो। प्लीज क्या तुम हमें बाहर निकाल सकती हो? हो जाना चाहिए था। वो पहले ही हमसे बहुत गुस्से में है और हम लेट हो गए। पहले तुम्हें कहा था ना कि मैं बिजी हूँ, ऐसे भी आधे तो मर गए होंगे। सही कहा तुमने, हम लेट। उसे जितने डॉग चाहिए उतने नहीं है हमारे पास और हमें उसका उधार चुकाना है। मैं समय पर और डॉग्स पकड़ लूंगा। रुको, तुम्हें वापस जाना होगा। हम लोग यहाँ से सीधा जा रहे हैं। तुम इधर से नहीं जा सकते। लेकिन यही सबसे आसान रास्ता है। ए, शूट करना बंद करो। अगर तुम वहाँ से जाओगे तो तुम्हें 4 फीट पानी मिलेगा और तुम्हारी वैन बंद हो जाएगी। तो फिर हम कहाँ से जाए? तुम अभी यहाँ से मुड़ो और 63 की तरफ से उत्तर दिशा में जा सकते हो। लेकिन उस रास्ते पे भी तो बारिश है। मैंने बारिश नहीं करवाई, वैन को घुमा लो। ये तो अच्छा हुआ। हमें वापस जाना चाहिए, हम किसी भी कीमत पर समय पर नहीं पहुंच पाएंगे। ये मेरे लिए बहुत सफोकेटिंग है। ये बिल्कुल ठीक नहीं है कि हम इतने लेट पहुंचेंगे। हाँ, फिर से वही सब। शायद वो लोग चॉकलेट के बारे में बात कर रहे हैं। आखिर प्रॉब्लम क्या है? पानी बढ़ता ही जा रहा है। कोई बात नहीं। नहीं, अगर हमारी गाड़ी इसमें फंस गई तो हम क्या करेंगे बता? पानी तेजी से बढ़ता ही जा रहा है। शॉन, हमारे इस मौसम में फंसने के कितने चांसेस हैं? बिल्कुल नहीं, मैंने रास्ता बदल लिया है। सब ठीक होगा, रिलैक्स। Oh, my God.
ठीक है? हाँ यहाँ सब ठीक है। ओके, आती हूँ मैं। ओके। सुनो, हम सच में एक फिल्म देखने जाने वाले हैं। एक बैकअप सीटर में। मुझे एक ऑटोग्राफ चाहिए। उसे छूना मत। ओके। तुम उससे दूर रहो। नहीं तो तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती है। I'm sorry। तुम कर क्या रहे हो? जाने दो उसे। लेने दो ऑटोग्राफ। हाय। पता है मैंने बहुत समय से ऑटोग्राफ नहीं दिया किसी को। शायद मैंने कुछ मिस किया। हाँ शायद। बहुत कुछ। उसे बस एक ऑटोग्राफ चाहिए। ठीक है। अच्छा रिलैक्स। ठीक है। रिलैक्स। एक पॉइंट तुम्हारा हुआ। अच्छा मैं बाकी पॉइंट बनाऊंगा यहाँ से जाने से पहले। डूड शांत हो जाओ। हाँ। थैंक यू। थैंक यू। मेरा हीरो। माइलो का है। हेलो। हाँ ठीक है ठीक है। तुम लोग जाओ। जाओ ना मैं आती हूँ। हाँ ठीक है चलते हैं। हेलो कैसी हो तुम? मैं तो पहली रात के बारे में सोच रहा हूँ। वो बेकार से साउंड चीक के बारे में बहुत ही अजीब सा था। उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या कर रहा है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि हमने उसके बावजूद शो किया। वैसे उसने क्या कहा था? माइक को मारो जितनी जोर से मार सकते हो, है ना? पागल है वो। आई लव यू टू। बाय। वो लड़का जो बाहर मिला था कितना कमीना था वो। ब्रुकलिन रिलैक्स, वो चला गया है। पर वो साउंड वाला उतना ही शो था जितना हमारा दोस्त रैली यहाँ है। सही कहा, उसे बदल देना चाहिए। ये मुमकिन नहीं है। ऊपर से तुम बड़े बाल और मेकअप करती हो, उसमें तुम्हें बहुत मेहनत लगती है शायद। वाह क्या बात बोली। वो सही कह रहा है। नहीं एक्सक्यूज मी, कहाँ जा रहे हो? वॉशरूम चलोगी क्या? ओके ठीक है। हे कहाँ जा रहे हो? बैठो ना। बस दो मिनट मार है, मुझे शीशा ढूंढना पड़ेगा जरूर। चलो ना। क्या हुआ है? वो सिर्फ एक लड़का था जो मेरा ऑटोग्राफ चाहता था और ब्रुकलिन नाराज हो गया। ये ठीक नहीं है। इसे कोई कॉर्नर पे क्यों नहीं बैठा था?
तुमने पॉपकॉर्न मुझ पर पूरा गिरा दिया और पूरा गंदा कर दिया। You're welcome. वो लोग ads miss कर देंगे। अच्छा है। अच्छा है। Enjoy the movie. Give it to me. Rocket love. Give it to me. Rocket love. Give it to me. Give it to me. Give it to me. Rocket love. Give it to me. सही एड्रेस है क्या? हाँ, सिग्नल नहीं है। हाँ बिल्कुल भी नहीं। एलए पहुंचते ही मैं अपना सिम कार्ड चेंज कर रही हूँ। हाँ मैं भी। वैसे ये घर अच्छा है ना? छोटा है। मैं इस गंदे से वीडियो में भला कैसे आ गया? रिलैक्स, उसको बस पर्सनल वीडियो चाहिए थे। जाने दो। तुम इतनी बुरी क्यों हो? मैं बुरी नहीं हूँ। हमेशा मैं तुम्हें क्रिटिसाइज करती हूँ और फिर मैं ही बुरी बन जाती हूँ। ओके, तुम बुरी नहीं हो। चलो देखते हैं जब ये डॉक्यूमेंट्री बाहर आएगी तब मैंने तुम्हें कितनी बार बुरा बोला है और फैंस क्या सोचते हैं। जैसे कि तुम उसमें होगे जब वो एडिट कर देंगे। हाँ क्यों नहीं, तुम इकलौती स्टार हो गए यहाँ पर। तुम बहुत बोलते हो। तुम्हें तो ये पसंद है ना? हाय, आज हमारी बात हुई थी। हम वही हैं जिन्हें चिवावा चाहिए। ओह हाँ हाँ, पहचाना मैंने। हे रुक जाओ, पर तुम अंदर नहीं आ सकते। तुमने ठीक से बात की थी? हाँ। सो हम डॉक्यूमेंट्री शूट कर रहे हैं और इसलिए हमें डॉग्स की कुछ फुटेज चाहिए। हाय, पर माफ करना, तुम लोग अंदर नहीं आ सकते। पता है ये हमारा घर है और तुम लोग जानते हो आजकल लोग कितने पागल होते जा रहे हैं। ठीक है, हम समझ सकते हैं। हेलो। तो ये सब रेस्क्यूज हैं? नहीं, बस वो वाला है। बाकी सब उनके बच्चे हैं, पीनट और क्लोए के। वहाँ पर उनके मॉम डैड हैं, उस तरफ। वो भी क्यूट हैं, पर मुझे बस अडॉप्ट करना है। क्या ये फिक्स्ड है? हाँ, अब वो बच्चे नहीं पैदा कर सकती है। जी, क्या वो मेरा डॉग भी इनके साथ घुल मिल सकता है? हाँ जरूर, हम चाहते हैं कि वो लोग घुले मिलें। इसका फी है ना? हाँ,
हम ये सब अच्छे से मेंटेन करते हैं और हम हर तरह के डॉग्स पालना चाहते हैं जिससे हम जानवरों की जरूरतें पूरी कर सकें। सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है लेस्टर। लेस्टर, ओह, I'm so sorry। कोई बात नहीं, ये डर गया होगा, वरना ये ऐसा कभी नहीं करता। बस जाके क्लीनर और टॉवेल लेके आओ। मैं इसे जल्दी से बाहर ले जाती हूँ। बस इसे उस तरफ ले जाओ। मैं कर देती हूँ। नहीं, तुम उनकी मदद करो। मैं भी आता हूँ। तुम? मैंने कहा था कि तुमने उसे यहीं रखा था। गलत समय पे आया। नहीं। गुड। लेकिन मुझे एक काम खत्म करना है। हमारा अरेंजमेंट कैसा चल रहा है? अच्छा। अच्छा। खाना अच्छा होगा अगर हम सही से काम करेंगे। तुम्हारे पास मेरे लिए कुछ है? हमें थोड़ा और वक्त चाहिए। उन्हें देरी हो गई आके डॉग्स को ले जाने में। पेमेंट तो जल्दी मिल जाएगी ना? हाँ जरूर मिलेगी। चले गए अब। लेस्टर, मैं एक पेशेंट हूं। क्या तुम कहोगे कि मैं पेशेंट हूं? पर मैं एक बिजनेसमैन हूं और तुम मेरे बिजनेस को खराब कर रहे हो। जितने भी डॉगीज बेचने हैं बेचो, लेकिन मेरे पैसे जल्दी लौटा दो। तुम्हारे पास ड्रग है और मुझे पैसे चाहिए, समझ गए? सब क्लियर है ना? क्योंकि मैं अपनी बात को दोहराऊंगा नहीं। चलो काम पर लग जाओ। तुम हट जाओ, हटो। ये स्मेल कैसी है? क्या तुम्हें नहीं आ रही? हाँ आ रही है। सुला दो। Come on, Lester. Hmm.
यहाँ पर क्या कर रही हो? जेम्स पकड़ो उसे। हेलो, छोड़ दो मुझे। तुम्हें इस जगह पर नहीं होना चाहिए था। जाने दो, जाने दो मुझे। चुप करो। मत मारो उसे। मेरा कहा चुप करो। समझ में नहीं आ रहा है तुम्हें? चुप करो। चुप अपना मुंह बंद करो। माइलो द गर्ल, हमने अभी शो खत्म किया और हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? मिसौरी। मिसौरी। और मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं एक भाई या बहन लेके आऊंगी लेस्टर के लिए, और हम उसे क्या कहते हैं? संतान, खून, डॉगीज की भाषा में इसे क्या कहते हैं ये तो मुझे अच्छे से नहीं पता। उधर बोलो।
नहीं 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 वैसे हमने उसके माँ बाप को ढूंढ लिया है और वो हमें मिसौरी में मिले और उस जगह का नाम है होप स्टेट। हम वहीं जा रहे हैं और हम वहाँ से उसके लिए एक दोस्त लेके आएंगे। हाँ पर सब नहीं जाएंगे क्या? ओ, तुम्हारा प्लान क्या है ब्रुकलिन? तुम्हें देखना है कि छोटे शहर की नाइट लाइफ कैसी होती है। तुम क्या करने वाले? मैं अपने होटल में आराम करूंगा। मैं तो माइलो के साथ जाऊंगा। थैंक यू राइली। नहीं मैं बिल्कुल नहीं आऊंगी। मुझे पता है कि मुझे उस पपी से प्यार हो जाएगा और मैं उसे घर लाना चाहूंगी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हमारे पास इतनी समस्याएं और तुम यहाँ पर मजे कर रहे हो? आज मेरा छुट्टी का दिन है, भूल गए? यहाँ पे 6 मरे हुए डॉग है जो वायर पर फ्राई हो चुके हैं और वहाँ पर उन पर मच्छर आ रहे हैं और तुम यहाँ पर मजे कर रहे हो ड्रग्स के साथ जिन्हें हम खरीद नहीं सकते। वो डॉग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? उन्हें काम पर लगा दो, ड्रग्स और उन लोगों के बीच में, समझे? सुनो, तुम्हें छुट्टी नहीं मिल सकती है, बस हुआ। तुम्हें उसे नीचे रखना होगा, समझे? और जो नाक के ऊपर ड्रग्स लगा है उसे तुम साफ करो। हमें काम करना है और तुम्हें रूल्स पता है, डॉग को काम पे लगाओ। मैं संभालता हूँ तुम्हारे पपीज को। Thank you.
times can seem a bit strange, wondering what tomorrow brings. See, I don't know what most been told, but inside us lies those pots of gold. So my every day is something new, something fresh, something true with a different view. I watch and learn quick, but my head ain't trip. When hands on is perfect, the struggle's worth it. Once you find calm and peace within, the answers unfold and this life begins. Searching and searching low and high, but our purpose is certain, we'll shine in time. Gotta fly sky high, travel divine, just breathe and slowly unwind the empty wounds. Hold clues, it's on you. Believe in that mirror's bright reflection. Next move is all in the right direction. Let's go. मुझे बाहर निकालो, बाहर निकालो मुझे, बाहर निकालो, छोड़ दो मुझे। तुम्हें जानता हूं, बैग मुझे दे दो। नहीं, तुम्हारा पास खोलो। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? ऊपर देखो, देखो, मैं फुटेज देख रहा था और मैंने देखा कि तुम्हारा छोटा साथी उसमें है। अब वो बैग मुझे दे दो। बैग मुझे दे दो। उसे बैग में से बाहर निकालो। उसे बैग में से बाहर निकालो। मुझे पता है मुझे क्या करना है। तुम मुझे मार दोगे? संभल के। मैं ये आखिरी बार बोलूं। बैग मुझे दे दो, बैग मुझे दे दो। ऐसा रहो कि तुम्हें बाद में अफसोस हो। जल्दी दे दो, जल्दी दे दो। समझदार हो तुम। अब सो जाओ।
इधर आओ, देखते हैं कि तुम्हारे लिए कौन सा पिंजरा है। वो कहाँ है?
मुझे दर्द हुआ होगा ना। मैं तुम्हारी आवाज क्यों नहीं सुन पा रही हूँ, जवाब दो। ऐसा नहीं है। अरे मेरे पास सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन है सिर्फ अभी के लिए। मुझे लगता है कि शायद वो समय पे वापस आ जाएगी। वैसे हाँ मैं समझता हूं, मैं दोबारा कॉल करूंगा। मैगन, मैगन, अगर तुमने एजेंट या वेन्यू वालों की फोन लाइन मेरे लाइन से मिलाई तो मैं तुम्हें काम से निकाल दूंगा। मेरे पास समय नहीं है उन सब के लिए। I'm sorry. Hey, तुम क्या चाहते हो, मैं कैमरा लेके आऊं और ये शूटिंग शुरू कर दूं? हाँ, शूट करना शुरू करो। ठीक है, तो बात ये है कि हम किसी भी सवाल का जवाब नहीं देंगे और हम अपना मुंह बंद रखेंगे। हमें उन्हें ढूंढना ही होगा, समझे? उनके वेबसाइट पे ही डाल दो आज ही कि वो ब्रेक पे हैं। ये कोई नेशनल हेडलाइन न्यूज नहीं है, हमें इसी तरह से करना होगा। जब तक हो सकेगा हम रखेंगे। मुझे एक स्केड्यूल चाहिए, जो भी इंफॉर्मेशन है तुम्हारे पास, होटल्स या जो भी तुम्हारे पास है। लास्ट शो से उन्होंने वीडियो अपलोड की थी लेकिन शायद डिपार्टमेंट ने उन्हें नहीं देखा। देखो कि उन्हें क्या पता है। जाओ जाओ देखो,
अरे अरे जाओ ना, ये तुम्हारी कजिन है ना। ठीक से खाओ क्योंकि इसकी जरूरत होगी। ये लो। ट्रेविस, ये सब क्या है? क्या हुआ बताओ तो? ये सब कैसे हुआ? लगता है जल्दी मर जाएगा। इसका जिंदा रहना मुश्किल है। चलो इसे बाहर निकालते हैं। लग रहा है ना तुम्हें? इसके लिए यही सही है। नहीं प्लीज, शॉट मत करो। वो रोक रही है मुझे, लेकिन वो मरेगा। प्लीज रुक जाओ, मत मारो उसे। तुम्हारे लिए हमने कुछ और सोच रखा है। कुछ नहीं मतलब? कुछ नहीं सर। मुझसे झूठ मत बोलना शैतान लड़की। क्या तुमने डॉगीज का खाना चुराया है? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, तुम्हें जवाब देना होगा। तुम डॉगीज का खाना फिर से चुरा रही हो ना? यस सर। क्या हो रहा है यहाँ? इसने फिर से डॉगीज का खाना चुराया। क्या ये सच है? मैंने तुम्हें मना किया था ना कि तुम कुछ भी नहीं चुरा सकती हो किचन से। अब पापा को तुम्हें सजा देनी पड़ेगी। रॉड लेके आओ टॉम। हाँ जरूर। मैं अभी नीचे जाकर खाना बनाऊंगी और तुम्हारी चीख की आवाज इस कमरे से बाहर नहीं आनी चाहिए। मैं नहीं चाहती कि जब मैं खाना बनाऊं तो तुम चिल्लाओ। तुम बिल्कुल नहीं चिल्लाओगी, समझ गई? ऐसा सबक सिखाओ कि ये भूल ना पाए। इंटरनेशनल स्टार माइलो द गर्ल, उनके असिस्टेंट और उनके दो बैंड मेंबर्स गुमशुदा हैं। उन्हें पिछली बार यहाँ एक लोकल म्यूजिक वेन्यू में देखा गया था। उनके अचानक गुमशुदा होने से सभी चिंता में हैं। हमारे साथ पुलिस चीफ हैं और वो कुछ कहना चाहते हैं। माइलो द गर्ल के केस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। हमारा डिपार्टमेंट वो सब करेगा जो वो कर सकता है उसे ढूंढने के लिए। अभी मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन हम जल्द ही उसका पता लगा लेंगे।
इससे ज्यादा मैं अभी आप सबको कुछ नहीं बता सकता। आगे की खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। बंद करो इसे। ये तो जानी पहचानी लग रही है। तुम्हें पता है? नहीं, मैंने कहा वो जानी पहचानी लग रही है। मुझे पता नहीं था कि वो इतनी फेमस है। कहां है वो? कहां है वो? उनमें से एक की मौत हो गई, हमें करना पड़ा। फेमस वाली ठीक है। सब ठीक है, ठीक है सब। ओ, सब ठीक है। मुझे किसी भी बात की कोई परवाह नहीं है। पुलिस उसे ढूंढते हुए हमारे घर पर आ जाएगी और तुम कह रहे हो कि सब ठीक है। जब तुम पकड़े जाओगे तब आएगा मजा तुम्हें। अगर वो जगह हम बंद कर दे तो तुम अपना कर्जा कैसे उतारोगे? जब शुरू किया था तभी मैं जानती थी कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे। हमारा $200,000 का नुकसान होगा और तुम अपने डीलर का पैसा कैसे चुकाओगे? हम ये सब ठीक कैसे करेंगे बताओ। मैंने सुना था कि उन्होंने ग्रे को एक जानवर की तरह टांग दिया था और नीचे से छील दिया था, काट दिया था उसे ऊपर से लेकर नीचे तक। खून से रंग गया था वो सब कुछ और तुम ये सब देख रहे थे। मैं एक बात बताती हूँ, मैं हार नहीं मानने वाली। तुम्हें कर्ज चुकाना ही होगा। हटो। नेस्टर चला गया, वो उसे ले गए। ये अच्छी बात नहीं है हम दोनों के लिए। शायद तुम्हें ये पहले से पता है, हम सबको ये कैसे पता चलता? मैं कितनी पागल हूं, ये सब मेरी गलती है। हम में से कोई भी यहां पे नहीं होता। अगर मुझसे ये गलती नहीं होती तो मैं ही जिम्मेदार हूं। कोई आइडिया है हम यहां से कैसे बाहर निकले? क्या है, तुम क्या देख रहे हो? ऊपर यहां क्या है? यहां मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा है। तुम समझदार हो? क्या वो ठीक है? हाँ, वो उसे बस दुख इस बात का है कि वो समय पर पहुंच नहीं पाए और अब वो चला गया। इसमें वो कुछ नहीं कर सकती थी। वो शो कैंसिल कर सकती थी। हे, उसको बुरा सपना समझकर भूल जाओ, ओके? अपने आप को बचा लो। हे, चुप करो। हम कहाँ हैं नंबर वन? मुझे नहीं पता। क्या
तुम्हारी नाक कितनी अजीब है और तुम्हारा परफ्यूम भी कितना अजीब है। हाँ, मुझे मालूम है। इस खुशबू से सारी मक्खियाँ भी आकर्षित हो रही है। इसकी खुशबू कितनी अजीब है। तुम्हारे पास सिगरेट है क्या? हाँ है ना। प्लीज प्लीज मुझे एक दो ना। रॉयली रेनबो रूम उस तरफ है, लेकिन तुम हमें किस तरफ ले जा रहे हो? नहीं, इस तरफ। वो उस तरफ गए थे। अच्छा, उस तरफ। उस तरफ उन्हें ढूंढेंगे। हाँ ढूंढेंगे, हम उन दोनों को जल्दी ढूंढ लेंगे। कम ऑन, वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी दोबारा अपनी पुरानी जिंदगी में वापस आने के लिए। तो इसमें गलत क्या है? तुम्हें पता है इस लाइफस्टाइल के बारे में, तुम अपने जिंदगी के अहम पल खो देते हो और तुम उन्हें कभी वापस नहीं ला सकते। वैसे अब हम उस टूर से वापस जा रहे हैं, तो हम उन पलों को वापस जी सकते हैं, आम जिंदगी जीने के लिए, आम लोगों की तरह, है ना? तुम्हें पसंद नहीं आएगा? मैं सच कह रहा हूँ कि मैंने बहुत देर के बाद वो आवाज सुनी थी। इसकी कुश्ती की क्या? नहीं नहीं नहीं, बहुत सारे आदमी। नहीं, कोई चांस नहीं। देखो मैं वापस आ रहा हूँ। अरे क्या कर रहे हो हम लोग सब? वो बहुत बोलता है। उसने ये सनग्लासेस क्यों पहन रखे हैं? पता नहीं, धूप भी नहीं है। उसे लगता है वो कूल है। संभाल के देखो कौन आया है। हम तुम दोनों को ढूंढ रहे थे, हमें साउंड चेक करना है। ओ नहीं, आज साउंड चेक नहीं करना। साउंड चेक नहीं करना है? लेकिन क्यों? क्योंकि मैंने बोला तुम सबको। लेकिन मैं तुमसे नफरत करता हूँ। नहीं, पर मुझे नहीं लगता। मैं सच में तुमसे नफरत करती हूँ। मैं सच में नफरत करती हूँ, बोला ना। तो तुमने उसे नहीं देखा था क्या? हाँ, मुझे नहीं पता। मस्ती करते हैं। चलो चलो चलते हैं। हाँ जरूर, चलो चलते हैं ना, उस तरफ चले। हाँ आ जाओ। हाँ चलो चलते हैं, बहुत टाइम हो गया। भी जाओ, चलो चलते हैं। जाओ सर, कितनी देर और रुकेंगे? तुम ठीक तो हो ना? हाँ, कितना अच्छा है ना। वो शो कैंसिल कर देता अगर वो तैयार नहीं होती। तो बहुत पसंद है। हाँ शायद। ठीक है, उसके बारे में चिंता मत करो। हाँ, चुप करो तुम। चलो चलते हैं। हे, तुम लोग आ रहे हो ना? हाँ हाँ, यस। चलो। मैंने कहा था ना, चलो, वहाँ बहुत अच्छा लगेगा। ये तुम कर क्या रहे हो? ओके। बदमाश कहीं के। चलो। जल्दी करो, आ जाएगा। रायली कहाँ है? बताओ
मुझे। वो मर चुके हैं। क्या? उन कमीनों ने मार दिया उन्हें। Come on, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मुझे यहाँ से बाहर निकालो। चाबी, चाबी उधर है। पिछले की। बाबर, गिरी में से कौन सी चाबी है? मैं कैसे खोलूंगी? मुझे समझ नहीं आ रहा है। मुझे नहीं पता। तुम्हें पता नहीं है या तुम्हें याद नहीं आ रहा? गोल्ड है या सिल्वर? मुझे नहीं पता कौन सी चाबी है। गोल्ड है या सिल्वर? मुझे कुछ नहीं पता। मुझे बाहर निकालो। मैं क्या तुम बाहर निकाल रही है? मैं खोल रही हूँ। ओह माय गॉड, मुझे बाहर निकालो यहाँ से। गिरी कौन सा वाला है? निकालो प्लीज। मुझे ऐसी की तैसी। वो लड़कियां भाग रही है, जल्दी गन लेकर आओ। माइलो, लेस्टर यहीं पे होगा, प्लीज उसे देखो। चलो तुम यहां से, चलो बाहर, चलो पहले। लेस्टर को ढूंढने बिना नहीं जाऊंगी। जल्दी करो। कहाँ जाएंगे? देखिए तुम्हें, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। जल्दी जल्दी बाहर आ जाओ, फिर हम मजे करेंगे तीनों एक साथ। बाहर आओ। आ जाओ आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। वो वहां पर आए, पकड़ो उन्हें। Thank you.
देर तक जिंदा नहीं रहोगी और वैसे भी अब तुम कुछ नहीं कर सकती। खेल खत्म। बच्चे पैदा करने के काम में आती हो और कुछ नहीं, और कभी कभी तुम जैसे को मारने के लिए भी। Oh, my God.
माइलो। हम इसके पीछे बहुत दिन से लगे हुए हैं लेकिन हमें कुछ भी नहीं मिला। हम कुछ तो मिस कर रहे होंगे। हाँ अभी हमें ये फुटेज पुलिस को दे देना चाहिए। देर हो चुकी है। ओह माय गॉड, ये इंटरनेट पर छाया हुआ है। ये क्या कोई मजाक है? हाँ इससे सब कुछ खराब हो गया। उफ। कुछ नहीं करेंगे। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, दूर रहो। पास आए तो गोली चला दूंगी। हम यहाँ मदद करने के लिए आए हैं। हम सही कह रहे हैं, दूर रहो। ओके, क्या हुआ है ये बताओ, हम तुम्हारी मदद करेंगे। मैं मिरांडा हूँ, ये टकर है। मैं 364 टास्कर रोड पे रहती हूँ मिसौरी में, ठीक है? ये लो। एक दूसरे के विश्वास के लिए अब मैं अपनी गन नीचे रख रहा हूँ ताकि हम तुम्हारी मदद कर सके। नुकसान पहुंचाने नहीं आए, तुम्हारी मदद करने आए हैं। ओके, अभी ठीक है, बताओ कि क्या हुआ था, बताओ। हम गए थे रेस्क्यू हाउस और वहां पर एक आदमी था, उसके चेहरे पर निशान था और दूसरे आदमी की एक ही आंख थी। वहाँ पर बहुत सारे डॉग्स थे, हर जगह डॉग्स थे। ठीक है, हम तुम्हें कहीं सेफ जगह पर ले जाते हैं, ठीक है? हमें तुम्हें कहीं सेफ जगह पर ले जाना होगा, ठीक है? हेलो टकर, शिकार कर रहे हो? बैठी घर पे है। इस समय कौन बेवकूफ दरवाजे पर आया है? हेलो टकर, हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं? उन लड़कियों को देख रहे हो जो वहाँ ट्रक में मिरांडा के साथ बैठी हैं? मैं उन्हें नहीं जानती। कौन है वो? मुझे लगता है तुम्हें पता है। हमें सच में नहीं पता। टॉम, एक शब्द भी मत बोलो। हाँ सही कहा, शिकार का बात खत्म। अरे मुझे कुछ नहीं पता। तुम क्या? मैं नहीं जानता। भगवान रुक जाओ, मैं कह रहा हूँ रुक जाओ। अपना एक कदम भी आगे मत बढ़ाना पागल औरत। रेचल वो कहाँ है? बुलाया है उन्हें, कुछ समय दो।
माइलो तुम कहाँ हो? मुझे घबराहट हो रही है। तुम कहाँ हो? माइलो कहाँ है? मुझे नहीं पता, हम उसे ढूंढ लेंगे। मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मुझे एक ड्रिंक चाहिए। हाँ मुझे भी। ये मुझे शांत कर देगी। हाँ सही में, अभी भी फोन नहीं आ रहा है। आ जाएगा। इसीलिए मुझे हमेशा उनके साथ रहना चाहिए जब भी वो कहीं जाते हो। सच में? हाँ सच में। ढूंढ लेंगे, इस वक्त उन्हें हजारों लोग ढूंढ रहे हैं, मिल जाएंगे वो। हेलो। लाजवाब। और बाकी एड, क्या हुआ है? एड बताओ मुझे, हुआ क्या है? वो मर चुके हैं। Stop it hurting again. I won't feel anymore. मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा है। जो लोग उन्हें ले गए थे, मुझे उनसे बात करनी है। वो रैली है, रैली, रैली और जिया, वो मर चुकी है। ये सब कैसे हो गया? कैसे? कैसे हो गया? नहीं, नहीं, नहीं होना चाहिए। नहीं। ऑटोग्राफ दोगी? ओह माय गॉड।
एक आर्टिस्ट होते हुए तुम म्यूजिक इंडस्ट्री को अभी छोड़ने का कैसे सोच सकती हो? ये जो दरवाजा है ये एक जाल है। जब तक तुम्हें कुछ पता चलता है तब तक बाहर का रास्ता ही बंद हो जाता है। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि जो कुछ भी हुआ उसके कारण तुम टूर पे नहीं जाओगी, क्या ये सच है? क्या फर्क पड़ता है? जरूर पड़ता है, तुम्हारे फैंस के लिए। तुम पॉप कल्चर की कितनी बड़ी हस्ती हो तुम जानती हो, इसके अलावा तुम क्या करोगी? मैं क्या करूंगी अगर ये नहीं करूंगी? जब तक नहीं करूंगी कैसे पता चलेगा? जैसे कि अभी तुमने कहा, इन डॉग्स की समस्या बिल्कुल मेरे जैसी थी। तुम्हारा मतलब क्या था? क्यूट छोटा पपी जो पेट स्टोर के विंडो में था, वो परफेक्ट लग रहा था। तुम्हें नहीं पता होता कि वो कहां से आया है, उसके साथ क्या हुआ है जो वो यहां पर है। तुम्हारी जिंदगी दुनिया की नजरों में बहुत ही लाजवाब है। क्या तुम ये कहना चाहती हो कि तुम्हारा नाम और स्टेटस का कोई नुकसान भी है? शायद तुम जानती हो। क्या जानती हूँ? ओके, मुझे माफ करना, हमें निकलना होगा क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। तो क्या होगा तुम्हारे और तुम्हारे बैंड का? Come on, इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर दे दो, बस लास्ट। देखो माइलो, तुमने प्रॉमिस किया था एक पूरा इंटरव्यू। तुम कहना क्या चाहती थी जब तुमने कंपेयर किया? तुमने हमें कुछ नया नहीं बताया जो हमें पता ना हो। तो फिर तुम सुन नहीं रही थी। सच्चाई का कोई वजूद नहीं होता, कोई वजूद नहीं, कोई वजूद नहीं। हम जिम्मेदार हैं अपनी अपनी खुद की खुशियों के लिए, खुशियों के लिए, हाँ खुशियों के लिए। दौड़ना बंद करो, दौड़ना बंद करो, सामना करो। Tear them down. Don't let those moments define you.
Stop running.